सर, पूर्वांचल कुंभ की जरूरत क्यों पड़ी पार्टी को, इसका मकसद क्या है? पूर्वांचल कुंभ नहीं, पूर्वांचल महाकुंभ है। जरूरत पड़ने वाली बात नहीं है। जो दिल्ली में पूर्वांचल महाकुंभ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा के द्वारा, इसमें जो पूर्वांचल के क्षेत्र में चार साल में मोदी सरकार ने जो विकास किया है, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा एक पूर्वांचल एक्सप्रेस का शिलान्यास किया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने किया। तो उसके अलावा जैसे शिला हाईवे का किया, एक्सप्रेसवे का, उससे क्या हो गया, दिल्ली से बलिया 8 घंटा में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो इन चार सालों में जो मुख्य रूप से बिहार, यूपी, झारखंड, ये तीनों जगह के लोगों को दिल्ली में पूर्वांचल माना जाता है, तो बिहार, यूपी, झारखंड में जो बिजली, जो गांव में बिजली नहीं थी मुख्य रूप से, इन तीनों जगह पे नहीं थी, तो उन तीनों जगह पे बिजली पहुंचाया गया। उसके अलावा दिल्ली में की बात करते हैं, दिल्ली में जो पूर्वांचल के विकास के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के पूर्वांचल वासियों पे जो विश्वास किया है, जिसका नतीजा है कि हमारे पूर्वांचल के लाल श्रीमान मनोज तिवारी जी को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, उनके अध्यक्ष बनने के बाद एमसीडी चुनाव में देखे हमने तीनों निगमों में अच्छी बढ़त ली और अच्छी तरह से जीत लिए। तो जो पूर्वांचल के लोगों का जो उनके नेचर में निहित है कि वो देशभक्ति होते हैं, राष्ट्रीयता होती है, तो देशभक्ति और राष्ट्रीयता तो आजकल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही है। तो जो पूर्वांचल के लिए विकास हुआ, पूर्वांचल के लिए काम हुआ है, तो सभी पूर्वांचल वासी जो दिल्ली में रह रहे हैं वो सभी एकत्रित होकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान मनोज तिवारी जी को धन्यवाद देने के लिए रामलीला मैदान में लगभग 1.25 लाख लोग पूर्वांचल महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। सर, लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, और रही बात जी, इतना बड़ा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या यहाँ रहती है दिल्ली में, लेकिन जब टिकट देने की बात होती है तब पूर्वांचल के लोगों को या उस तरफ कैंडिडेट्स को उतनी टिकट तो नहीं मिलते पार्टी की ओर से? देखिए, पूर्वांचल के लोग, जो मैंने पहले बोला कि देशभक्ति और राष्ट्रीयता से मतलब होता है, पूर्वांचल के लोगों के अंदर ये निहित होता है कि हमारे सहयोग से जो देश का विकास हो, जिसमें देश के विकास में हम भागी बने, अगर इसको कार्यक्रम को हम टिकट से जोड़ें या किसी और चीज से जोड़ें कि हमारी टिकट की भागीदारी कम होती है, तो इसी का तो नतीजा है कि हमारे लाल को, मनोज तिवारी जी को, पूर्वांचल के जो लाल हैं, मनोज तिवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले आज तक किसी पार्टी ने नहीं, दिल्ली में चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी और भी जितनी पार्टियां हैं, किसी ने पूर्वांचल के लोगों को, पूर्वांचल के नेता को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो ये पूर्वांचल का जो, पूर्वांचल के लोगों पे जो विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी, और 2018 में जो चुनाव है, पिछली बार हमने 7 के 7 सीट दिल्ली लोकसभा में जीते हैं, इस बार जो जीत होगी बड़ी अंतर से होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले पूरा दिल्ली का पूर्वांचल वासी भाजपा के साथ खड़ा है। सर, आप एक तो यूथ हैं और पूर्वांचल जो प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष हैं, क्या आने वाले समय में आप युवाओं को और पूर्वांचल से जुड़े हुए कुछ कैंडिडेट्स की अधिक टिकट के लिए मांग करेंगे आप पार्टी से? पार्टी हमारे के भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, ये दूसरी तरह की पार्टी नहीं है कि आदमी देख के टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट इलिजिबल होता है, जिसका जनाधार होता है, जो मेहनत कर रहा है, जो पार्टी से 20 साल 10 साल से जुड़ा हुआ, जो पार्टी के लिए खड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है। कोई एक आदमी की पार्टी तो है नहीं कि कांग्रेस की तरह राहुल गांधी जी ये डिसाइड कर लें कि इसको टिकट मिलना है। भारतीय जनता पार्टी, हाँ, इस पार्टी ये देखती है कि कौन आदमी धरातल तक काम कर रहा है, कौन संगठन के लिए काम कर रहा है। टिकट विकट का तो संगठन का डिसाइड करती है, लेकिन हाँ, जो अभी के दिन में दिल्ली में जो पूर्वांचल वासियों में उत्साह आया है, इसका इफेक्ट 2018 और 2019 और 2020 में जरूर पड़ेगा। सर, इसमें जो प्रोग्राम होगा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ, आप क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और लोगों को बुला रहे हैं क्या? इसमें हमारे कार्यक्रम के जो पूर्वांचल महाकुंभ है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हैं। इसके अलावा यूपी, बिहार, झारखंड के जो नेता हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिनका बहुत ज्यादा पूर्वांचल के विकास में योगदान रहा है, ऐसे हमारे राधा मोहन सिंह जी, रविशंकर प्रसाद जी, अश्विनी चौबे जी, गिरिराज सिंह जी, सी प्रताप शुक्ला जी, डॉक्टर संजय मयूख जी, ऐसे काफी लोग हैं जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं।